छतरपुर से देशद्रोह से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़के ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और भारत देश को गालियां दी। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और भारत के खिलाफ भी कई भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। यही नहीं, नाबालिग लड़के ने सर तन से जुदा भी लिखा था। जब यह सब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अधिवक्ता संघ और हिंदुवादी संगठन ने देश विरोधी नारे लिखने पर आपत्ति जताई और पुलिस थाने में इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। SP का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जिसके बाद इस मामले में और धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। 4-6 दिन पहले राजनगर के किसी मुस्लिम लड़के ने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो है एक पोस्ट वायरल की है। वो पाकिस्तानी के नाम से अपना वो भी बनाया है ID, और उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत को काफ़ी अपशब्द कहे हैं, चूतिया, और काफ़ी जिन्हें अपन नहीं बता सकते, और सर तन से जुदा करने जैसे शब्दों का भी उसमें अपनी ID में उसमें उपयोग किया है। तो इसको लेकर के राजनगर थाना प्रभारी को हम लोगों के द्वारा विष्णु प्रसाद की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 3-4 दिन हो गए हैं और पुलिस का लचर रवैया ऐसे देशद्रोह जैसे मामले के पीछे है। तो ज्ञापन में हम लोगों ने निवेदन भी किया है कि यदि समय रहते कार्रवाई और सही कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये राष्ट्रीय अपराध है, देश के प्रति अपराध है, और दो वर्गों में विद्वेष पैदा करने का भी अपराध बनता है। इसमें लोगों को धमकी भी दी गई है सर तन से जुदा करने की, ऐसे शब्दों का उपयोग जो है निंदनीय है। विष्णु प्रसाद के नाते तो ठीक है, मैं काम नागरिक के नाते भी इसकी घोर निंदा करता हूं और पुलिस से अपेक्षा करता हूं कि समय रहते जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे एक विधि विरुद्ध बालक की जो सोशल मीडिया ID है उससे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे और भड़काऊ नारे लगाए गए थे। इन सभी की लगातार जाँच की जा रही है और प्रथम दृष्टया इसमें अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें साइबर टूल्स की मदद से जिन भी लोगों ने किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। क्या धारा लगी? What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।